एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रोफेसर के एकेडमी। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, लास्ट चांस सेवियर इन बांग्लादेश, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा, अभी अगर आप जो है बांग्लादेश के एडमिशंस देख रहे हो और 2023 यानी 22-23 में आप नॉट एलिजिबल होने वाले हों, तो अभी आपको 21 और 22 की सीट मिल जाएगी। ये कुछ कैंसलेशन सीट आई हैं, जो स्टूडेंट जो है 2021-22 यानी जनवरी 2022 के बैच में एडमिशंस लिया था और वो पूरी फीस अभी तक पे नहीं कर पाए थे, तो कॉलेज ने जो है क्या किया है कि उनकी सीट कैंसिल कर दी है और दूसरे स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसी सीटें अभी 4 से 5 सीट निकल के आई हुई हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें एडमिशंस लेना, तो आप तुरंत अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करें और हम वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद कॉलेज के अकाउंट में पैसा डालें, जैसे कि बांग्लादेश का एडमिशन का प्रोसीजर है। इसमें आपको कोई भी लॉस नहीं है, ना एजुकेशन ना स्टडी, क्योंकि अभी जो 2022 के बच्चे थे यानी जनवरी 2022 के बैच के जो स्टूडेंट हैं, वो अभी बांग्लादेश में इंटर नहीं किए, यानी बांग्लादेश गए नहीं हैं। मे भी हो सकता है कि जून के लास्ट वीक में या हो सकता है जुलाई में ये बच्चे स्टूडेंट वहाँ पर जाके अपना क्लास इनकी स्टार्ट होगी। तो अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, आपका 1 ईयर आपका बच सकता है। अगर आपके बांग्लादेश के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं, तो आप तुरंत इसको अप्लाई करें। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कॉलेज में सीट जो है रिमेनिंग है, वहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है 35,000 USD से लेके 40,000 USD के बीच है। कौन से कॉलेज हैं, कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए आप हमारे काउंसलर को कॉल करें और जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको और बताना चाहूँगा इक्विवेलेंस की, जैसे कि डेट आपकी ऑलरेडी निकल चुकी है, तो इक्विवेलेंस हमारी टीम अलग से अप्लाई करेगी, उसके कुछ चार्जेस होंगे, वो आपको हमारी काउंसलर बता देंगे। धन्यवाद। Fearless.